है वो पेयजल के सवाल हों या फिर अन्य जो सिंचाई की नहरें हैं उनको लेके किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, आज पूरा पहाड़ हो या मैदानी इलाका हो, नैनीताल जनपद का भारी वर्षा से प्रभावित है और जो आज समीक्षा की गई है, जो सड़कें हमारी अवरुद्ध हो चुकी हैं, खास तौर से आपके संज्ञान में है कि रानीबाग जो हमारा पहाड़ को जोड़ने वाला पुल है वो पिछले दिनों कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका है और इससे आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है। यहाँ की जनता को, गाँव की जनता को या बाहर से आने वाले लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और भी सड़कें बंद हैं, जो पेयजल लाइनें ध्वस्त हो चुकी हैं, जो सिंचाई की नहरें में काफ़ी क्षति हुई है, किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा सिंचाई के लिए, तमाम विषयों पर चर्चा हुई है और स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारी जी को भी कि वह तत्काल प्रभाव से जो भी आगरण विभिन्न विभागों द्वारा आपको भेजे गए हैं उसमें धनराशि तत्काल अवमुक्त करें जिससे कि उन योजनाओं में काम हो सके। और जो शासन स्तर के मामले हैं उसको भी आप प्रस्ताव बनाकर शासन में या सरकार को या विभिन्न विभागों के माननीय मंत्रीगणों को भेजें जिससे कि उसमें आपदा से भी अन्य मदों से भी उसमें हम इमदाद दे सकें। और हमने ये भी कहा है कि इसकी जो आज निर्देश दिए गए हैं उन कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए त्वरित गति से काम हो और इसकी समीक्षा 15 दिन के अंदर मैं फिर करूँगा, ये मैंने आज कहा है। ठीक है सर।